राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत की मांग है कि जो हिजाब के नाम पर माहौल खराब कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। परिषद के अध्यक्ष गोविंद पारासर ने कहा कि वो किसी भी तरह स्कूलों में हिजाब नहीं चलने देंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि जो लोग इस तरह का माहौल खराब कर रहे हैं उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भेजा जाए। जिस तरह से ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं ये सीधे सीधे राजद्रोह हैं। ये सारी जो हिसाब एक आया है मैटर मेरे संज्ञान में, जो एक तरह से इस्लामीकरण देश को तोड़ने वाला, वैसे तो आए दिन इनके जिहाद हुआ करते हैं, पहले लव जिहाद हुआ करते थे, फिर गाय के ऊपर हुआ करते थे, ये ऐसा काम करते हैं कि हिंदुस्तान को तोड़ने का काम, ये भी एक राष्ट्रद्रोह के रूप में काम किया है इन लोगों ने, इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। क्योंकि स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है, जहां पे जो स्कूल की ड्रेस है वही मान्य होनी चाहिए। अगर कोई हिसाब पहन के जाता है या हिसाब मान के चलता है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी